हेलो एवरीवन, आज हम भूगोल का एक टॉपिक वर्षण, जिसको इंग्लिश में हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्षण के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, वर्षण का अर्थ व परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वर्षण के विविध प्रकार या रूप उनके बारे में पढ़ेंगे, वर्षा के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्षा का विश्व में वितरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और वर्षा का मापन कैसे किया जाता है, वर्षा को कैसे मापते हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे, और वर्षा का वार्षिक व दैनिक परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है, और इस लेक्चर के लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ जो इस लेक्चर से संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले बात यही आती है कि वर्षण है वो होता क्या है, किसको हम वर्षण बोलते हैं। वृष्टि या वर्षण जलवायु का एक ऐसा तत्व है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। इसके सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं व कृषि है वो वर्षण से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वो होती है। वृष्टि की सहायता से हम अलग अलग स्थानों का जलवायु का वर्गीकरण है वो भी कर सकते हैं। वर्षण हमें या वर्षण या वृष्टि के लिए सबसे ज़रूरी है बादलों का बनना। सबसे पहले बादल बनते हैं, उसके बाद वर्षण है वो होता है, और यही हमें ताज़ा पानी है वो पानी उपलब्ध है वो करवाने का काम करती है। जब हवा है उसके अंदर जो मॉइस्चर है उनका कंडेंसेशन लगातार होता रहता है तो वो आकार में बढ़ते रहते हैं, और जब वो उनका आकार इतना हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का वो उनको रोक नहीं पाता तो वो पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, तो वो ठोस अवस्था में भी और तरल अवस्था में भी पृथ्वी पर गिर सकते हैं, जिसको हम वृष्टि कह देते हैं। अगर वृष्टि की डेफिनेशन और मीनिंग की बात करें तो वायु में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में बदलकर पृथ्वी पर गिरने की जो घटना है उसको हम वृष्टि कहते हैं, कि जो वायु के जलवाष्प हैं जब वो उनका कंडेंसेशन हो जाता है और कंडेंसेशन होके वो पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं या धरातल पर गिरते हैं, वो ठोस अवस्था में भी गिर सकते हैं और वो तरल अवस्था में भी गिर सकते हैं, तो हमको उसको वृष्टि कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें डेफिनेशन की, तो प्रिसिपिटेशन इज डिफाइंड एज वाटर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्स फॉल टू द अर्थ। इट इज ऑलवेज प्रिसाइडेड बाई कंडेंसेशन और सब्लिमेशन और ए कम्बिनेशन ऑफ द टू एंड प्राइमरली एसोसिएटेड विद राइजिंग एयर। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी दशाएं हैं जो वर्षण के लिए सहायक हैं या वर्षा जिनके सहायता से वर्षा है या वर्षण है वो होता है, सबसे पहले है वाष्पीकरण का होना। जल का वाष्पीकरण होना चाहिए ताकि एयर है उसके अंदर मॉइस्चर है उनका कंटेंट बढ़ जाए, वो वाष्पीकरण के द्वारा ही हो सकता है। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एयर के अंदर हाई होगी तभी वो एयर कंडेंस होगी, और कंडेंस होगी तो ही वही एयर है वो वर्षण कर पाएगी। इसके अलावा है वायु का चलना, अगर वायु एक जगह स्टैटिक रहती है, स्थिर रहती है, तो उससे वर्षण नहीं हो पाएगा। इसके वर्षण के लिए जरूरी है कि वायु है वो लगातार मूवमेंट है वो करती रहे। वायु का ठंडा होना, अगर वायु ठंडी होती है तो उसके अंदर जो वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर है, उनको होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, तो जैसे जैसे वायु ठंडी होती जाएगी उसका है वो कंडेंसेशन है वो होता जाएगा और वर्षण की प्रक्रिया है वो आगे चल पड़ेगी। इसके अलावा संघनन का होना, संघनन या कंडेंसेशन का होना, जब अगर एयर के अंदर मॉइस्चर हैं लेकिन वो उनका कंडेंसेशन नहीं हो पाता है तो वर्षण नहीं होगा, तो
एयर के अंदर मॉइस्चर होने के साथ साथ उनका कंडेंसेशन होना भी जरूरी है, तभी है वो वर्षण हो पाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्षण के विविध रूपों की, या अलग वर्षण है वो अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग तरह का होता है। हमें यहाँ समझना चाहिए कि वर्षण और वर्षा दो अलग अलग चीज़ें हैं। वर्षा जो है एक वर्षण का ही एक रूप है। वर्षण अलग अलग तरीकों कई तरीके का होता है, कई प्रकार का होता है, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर वर्षण के प्रकार की बात करें तो बूंदाबांदी, ड्रीजल, ड्रीजल पहला प्रकार है वर्षण का। इसमें क्या होता है, हल्की हल्की बारिश होती है और जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पानी की जो बूंदें गिरती हैं, उनका जो साइज है वो 0.5 मिलीमीटर से भी कम होता है। दूसरा वर्षण का प्रकार है वर्षा। वर्षा में क्या होता है कि जो पानी की बूंदें हैं उनका साइज 0.5 मिलीमीटर से अधिक होता है और जो पानी है वो बूंदों के रूप में धरातल पर गिरता है, उसको हम वर्षा कहते हैं। वर्षण का तीसरा रूप है विराज। विराज क्या होता है, जब वर्षा की जो बूंदें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, पृथ्वी से ऊपर ही एटमॉस्फेयर में ही विलुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उसको हम विराज बोलते हैं। उसके बाद वर्षण का अगला रूप है बर्फबारी, या जिसको हम स्नोफॉल कहते हैं। जब 0 डिग्री से कम तापमान पर कंडेंसेशन होता है एयर का, तो वो जो मॉइस्चर है वो पानी की बूंदों में ना बदल के सीधा बर्फ़ के अंदर बदल जाता है, तो उस वो बर्फ़ के रूप में जब धरातल पर गिरता है तो उसको हम स्नोफॉल या बर्फबारी बोलते हैं। अगला वर्षण का प्रकार है सलीट। सलीट या सहीम, हिंदी में बोलते हैं सहीम वृष्टि। ये क्या है, इसमें वर्षा की बूंदों के जमने से या हिमरवों के पिघले जल के पुनः जमने से होती है। यह वास्तव में जलवृष्टि और हिमवृष्टि दोनों का मिला जुला रूप है। सलीट की बात करें तो ये क्या है, दो इसमें पानी की मात्रा भी होती है कुछ, और इसमें कुछ हिम की मात्रा भी होती है, तो दोनों का मिला जुला रूप है, उसको हम सिल्ट बोल देते हैं। अगला हमारा आता है ओले। वर्षण का अगला रूप है ओले या हेलस्टोन जिनको बोलते हैं। जब क्या होता है, जब बारिश वर्षण होता है तो उसमें वो पानी की बूंदों के रूप में ना गिर के, जब टेम्परेचर ऊपर की लेयरों का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो वो पानी की बूंदें जम जाती हैं और वो जम के गोल गोल पैलेट्स के रूप में, राउंडेड पैलेट्स के रूप में ज़मीन पे गिरती हैं, जिनको हम ओले बोलते हैं। उसके बाद ये जो ओले हैं इनका साइज 0.5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक का हो सकता है। ये जैसा कि हमने अभी देखा कि ओले तभी होंगे जब वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हिमांक या 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर हो जाए। तो जलवाष्प क्या होते हैं, तरल अवस्था में आए बिना ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं और वो ओलों के रूप में धरातल पर गिरते हैं। अब बात करते हैं कि वर्षा है वो किस कारण से होती है, क्यों होती है। तो वर्षण से, इसके लिए हमें वर्षण के 2-3 सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्षा के होने का कारण क्या है। सबसे पहले हम वर्षा होने के कारण में जो पहली थ्योरी है वो बर्जरॉन प्रक्रिया बोलते हैं, बर्जरॉन थ्योरी इसको बोलते हैं, और इसको आइस क्रिस्टल थ्योरी भी बोलते हैं, आइस क्रिस्टल थ्योरी। ये 1933 ईस्वी में दी थी, बर्जरॉन महोदय ने ये थ्योरी दी थी। इसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया उसी जगह पे होती है जहाँ पे कोल्ड क्लाउड हों, बिल्कुल ठंडे बादल जिन एरिया में हों, वहाँ पे ये बर्जरॉन की प्रक्रिया होती है। कोल्ड क्लाउड और जो आइस के क्रिस्टल हैं वो मिक्स हो जाते हैं और सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, या हम बात करें कोल्ड क्लाउड और आइस के क्रिस्टल आपस में मिलके सुपर कूल्ड अवस्था में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होके वाटर ड्रॉपलेट्स में हैं वो बदल जाते हैं। इससे वो क्या होते हैं, वो द आइस क्रिस्टल टेक अप वाटर वेपर एंड ग्रो बाई डिपोजिशन एंड फॉर्म रेन। जो आइस क्रिस्टल हैं वो सारे वाटर वेपर के साथ वो इकट्ठे होके वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर रेन ड्रॉप्स के रूप में धरातल पर गिरते हैं। ये जो बर्जरॉन की जो प्रक्रिया है बारिश करने के लिए, या सॉरी वर्षण करने के लिए, ये मध्य अक्षांशों
में होती है और मध्य अक्षांशों की जो सारी बारिश है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार भारी मात्रा में वृष्टि केवल ऐसी मेघ राशियों से होती है जिनमें हिमांक के नीचे तापमान पर जल एवं हिम के कण एक साथ पाए जाते हैं। जहां जल भी हो और बर्फ भी हो दोनों इकट्ठे हों उन एरिया में ये प्रक्रिया होती है और बारिश इसकी वजह से वर्षण है वो होता है। अगला हमारा जो सिद्धांत है सलेन सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है जो स्मॉल एंड लार्ज लो प्लेट्स जो बारिश की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो आपस में क्लाइड करती हैं, आपस में टकराती हैं और वो आपस में जुड़ जाती हैं, उनका संलयन हो जाता है, उनमें आपस में जुड़ाव हो जाता है। तो जब छोटी छोटी बूंदें आपस में टकरा के एक दूसरे से जुड़ेंगी तो वो बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं, बड़ी ड्रॉपलेट्स में वो बदल जाती हैं और वो बड़ी ड्रॉपलेट्स फिर धरातल पर गिरती हैं वर्षा के रूप में। तो ये हमारा दूसरा सिद्धांत था जो हमें बताता है कि वर्षण कैसे होता है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है इजी बोवेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था और जैसा कि हमने देखा कि छोटे कण आपस में जुड़ के और बड़े कणों में परिवर्तित हो जाते हैं जिस बाद में वो ड्रॉपलेट्स के वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर के रूप में धरातल पर गिरते हैं। इसके अलावा वर्षण के लिए हवा का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है भी। वर्षा अगर एयर ठंडी नहीं होगी तो उसमें कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा और कंडेंसेशन नहीं होगा तो वर्षण नहीं हो पाएगा। तो हवा का ठंडा होना आवश्यक है वर्षण के लिए। इसके अलावा जल वाष्प का बढ़ना, अगर एयर शुष्क है तो उसके अंदर उसका कंडेंसेशन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर नहीं है। अगर उसके अंदर वाटर वेपर नहीं है तो भी वर्षण की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं वर्षा की। वर्षा है वो कितने तरह की होती है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वर्षा है वो तीन प्रकार की होती है। नंबर एक है सहवनीय वर्षा या कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवात या इसको वाताग्रह वर्षा भी बोलते हैं, फ्रंटल रेन, साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सहवनीय जो वर्षा है वो किस तरीके से होती है, कैसे होती है। जो सहवनीय वर्षा है मुख्य रूप से हमारी जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, इक्वेटर के आसपास के एरिया हैं, उन्हीं एरिया में ये जो सहवनीय वर्षा है वो होती है क्योंकि इक्वेटर के आसपास अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ने से धरातल के आसपास की जो वायु है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने से वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर वो ऊपर उठती है, ऊपर उठते ही उसका तापमान कम हो जाता है और उसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और वो बारिश के बूंदों में बदल जाते, जो एयर के वाटर वेपर थे वो बारिश की बूंदों में बदल के बारिश के रूप में धरातल पर गिरते हैं। ये जो सामान्य वर्षा है ये कपासी मेघ हैं उन एरिया में होती है जहाँ कपासी मेघ पाए जाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब ऊपर उठती हुई एयर है सहवनीय प्रक्रिया से वहाँ पे कपासी मेघों का निर्माण होता है। इसके अलावा सहवनीय जो वर्षा है उसमें बहुत तेज़ मात्रा में मूसलाधार वर्षा होती है और बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में चमकती है, कड़क के साथ बिजली चमकती है और मूसलाधार वर्षा होती है सहवनीय वर्षा में। ये जो वर्षा है यह वर्षा अधिक देर तक नहीं होती, ये सूर्यास्त तक बंद हो जाती है और इसी कारण इसको 4 बजे वाली वर्षा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है उन एरिया में इसको 4 बजे वाली वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम देखेंगे ये सहवनीय वर्षा कैसे हो रही है कि धरातल और सी का जो महासागर थे और धरातल थे वो सूर्य की किरणों से गर्म हो जाते हैं, गर्म होने से यहाँ की जो वायु थी वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने से वो क्या होता है जो उस एयर के अंदर जो वाटर वेपर थे या उस एयर का तापमान कम हो जाता है और उसके अंदर जो मौजूद वाटर वेपर थे उनका कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन या संघनन जिसको हम बोलते हैं, और वो संघनन होकर धरातल पर वर्षा के रूप में गिरने लगती है। ये हमारी सहवनीय वर्षा इस तरीके से होती है। अगली है हमारी पर्वतीय वर्षा या इसको रिलीफ ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है
आर्द्रता से भरी हुई गर्म पवनें जब किसी पर्वतीय पठार के सहारे ऊपर उठती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, और ये जो ठंडी होने से इनका सैचुरेशन पॉइंट है वो आ जाता है, और ये क्या करती हैं फिर संघनन होके वर्षा करने लगती हैं। इसको हम पर्वतकृत या पर्वतीय वर्षा बोल देते हैं। पर्वतकृत वर्षा जो है मुख्य से पवनाभिमुखी ढालों पर, विंडवर्ड साइड्स, जैसे हमने कहा कि जो पर्वतीय वर्षा है वो क्या होती है, उसमें पर्वतों के सहारे पवन है वो ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो उसका कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन होके वो बारिश करती है। लेकिन पर्वत की दो साइड है, एक है विंडवर्ड साइड और एक है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड में या पवनाभिमुखी और पवनाविमुखी, पवनाभिमुखी जो पवन के सामने है और पवनाविमुखी जो पवन की दूसरे साइड है, तो ये जो पवने हैं ये विंडवर्ड साइड तो वर्षा करती हैं, लेकिन लीवर्ड साइड है वहाँ पे वर्षा नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से इनका कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन होने के बाद ये एक साइड में बारिश कर देती हैं, फिर ये दोबारा पर्वत की दूसरी तरफ ये उतरती हैं, और जब ये उतरती हैं तो कंप्रेशन के कारण, कंप्रेशन या उनमें दबाव के कारण ये गर्म हो जाती हैं, गर्म होने से ये क्या करती, दूसरी साइड बारिश अब वो नहीं कर पाती। इसलिए ये जो एरिया होता है लीवर्ड साइड का, लीवर्ड स्लोप जो होता है उसको हम रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। इस जो लीवर्ड साइड का है या पवनाभिमुखी एरिया है जो हमेशा ड्राई रह जाता है, शुष्क रह जाता है, जहाँ बारिशें नहीं हो पाती, उसको हम रेन शेडो एरिया बोलते हैं। भारत के कई एरिया हैं जहाँ पे इस विधि से जो बारिश है वो होती है, जैसे मेघालय है, मेघालय का चेरापूंजी है, या जैसे हम यह मैप में देखें ये पश्चिमी घाट का एरिया है, भारत का पश्चिमी घाट है, मेघालय है, इन एरिया में है वो ये पर्वतीय वर्षा ही होती है। इसके अलावा हिमालय का जो एरिया है, हिमालय के अक्षेत्र एरिया में भी पर्वतकृत वर्षा है वो होती है। इसके अलावा तीसरा जो हमारा प्रकार है वो चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल रेन इसको हम बोलते हैं। चक्रवातीय वर्षा मुख्यतः शीतोष्ण अक्षेत्रों में जहाँ पछुआ हवाएं बहती हैं में होती है, जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में ये चक्रवातीय वर्षा है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा ये वर्षा हमें, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये बारिश है, ये चक्रवातों से होती है। चक्रवातों में वायु केंद्र की ओर तेजी से बढ़ती है और ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठ के वो क्या है, जब गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में मिलती हैं, जब जहां साइक्लोनिक कंडीशन बनती हैं वहां जब गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में मिलेंगी तो ठंडी वायु राशि क्या करती है, गर्म वायु राशि को ऊपर की तरफ धकेल देती है। जब वो ऊपर की तरफ धकेलेगी गर्म वायु राशि को तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो गर्म वायु राशि के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, जो मॉइस्चर है, उसका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा और बारिश होने लगेगी। जब ठंडी ध्रुवीय वायु गर्म वायु राशि के संपर्क में आती है तब ये चक्रवातीय वर्षा है वो होती है। ये बारिश है भारत का जो पूर्वी तट है, ये जो पूर्वी तट है इन एरिया में साइक्लोन्स आते हैं अक्टूबर नवंबर में, उन एरिया में ये साइक्लोनिक वर्षा होती है भारत के पूर्वी तटीय एरिया में। जो इसके अलावा अब बात करें आइसोहाइड्स, समवृष्टि रेखाएं, ये वो लाइनें होती हैं जो संसार का जो मानचित्र है उस पे समान वृष्टि वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम समवृष्टि रेखाएं या आइसोहाइड्स हैं वो कहते हैं। अब बात करें कि विश्व में बारिश है उसका वितरण कैसा है, कहाँ कहाँ है। हम अगर सामान्य रूप से बात करें तो विश्व का के अंदर जो वर्षा का वितरण है वो असमान वितरण है, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश है वो कम होती है। लेकिन फिर भी हम औसत वार्षिक जो वर्षा है पूरे विश्व की उसको 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पूरे विश्व को हम 5 भागों में उसके वर्षा के वितरण के आधार पर हम बांटते हैं। सबसे पहले हम शामिल करते हैं जो एरिया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वो एरिया है
भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया हैं वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है वो होती है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंध के पश्चिमी तट, शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया हैं उनके पश्चिमी तटों पर पवनाभिमुखी, हमने अभी जब बात की थी पर्वतकृति वर्षा देख रहे थे तो हमने कहा था पवनाभिमुखी ढाल जहाँ पे पवन बारिश करती है, तो शीतोष्ण कटिबंध के पश्चिमी तटों पर जो पवनाभिमुखी ढालों के पास हैं वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से बारिश ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो मानसूनी एरिया है, मानसूनी प्रदेशों में भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है बारिश है वो होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाले अक्षेत्र। इनमें विश्व के वो अक्षेत्र आते हैं जो 200 सेंटीमीटर वाले एरिया के आसपास के एरिया हैं, उनके आसपास के एरिया हैं वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। उष्ण कटिबंधीय तटीय प्रदेश है, उष्ण कटिबंधों के जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश वहाँ होती है। तीसरा हमारा प्रकार है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले अक्षेत्र। ऐसे अक्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के भीतरी भागों में तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी व आंतरिक भागों में स्थित हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? उष्ण कटिबंध के आंतरिक भागों में, जो उष्ण कटिबंध के कॉन्टिनेंटल पार्ट जो हैं वहाँ पे, और शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी व आंतरिक भाग हैं वहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश है वो होती है। अगला हमारा है वो एरिया है जहाँ 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस वर्ग में पर्वत श्रेणियाँ और वृष्टि छा प्रदेश, रेन शेडो एरिया, पर्वतकृत वर्षा जब हमने की उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेन शेडो एरिया है वो क्या होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो पर्वतीय भागों में, पर्वतीय श्रेणियों में और पर्वतीय श्रेणियों के रेन शेडो एरिया में 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश है वो होती है। इसके अलावा महाद्वीपों के आंतरिक भाग, जो कॉन्टिनेंट के इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश है वो होती है। अगला है हमारा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले अक्षेत्र। ये वो एरिया हैं जो जहाँ मरुस्थली एरिया, जहाँ ठंडे मरुस्थल हैं या गर्म मरुस्थल हैं पाए जाते हैं, उन एरिया में 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास है हमारे, सॉरी 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश वहाँ पे होती है। ये विश्व का वर्षा का वितरण हम अक्षांश के अनुसार यहाँ देख सकते हैं कि भी 10, यहाँ हम देखते हैं वृष्टि की मात्रा कितनी सेंटीमीटर बारिश हो रही है, यहाँ हम अक्षांश दे गए हैं 0 डिग्री से लेके वहाँ 90 डिग्री, 0 से 90, तो हम देखेंगे कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच है वो सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं अक्षांशों में तो बारिश की मात्रा है वो दोनों साइड है वो कम होती जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि वर्षा का जो वितरण है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनमें सबसे पहले अक्षांश, जो निम्न अक्षांश हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था कि भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया हैं वहाँ बारिश है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो निम्न अक्षांशों में अधिक वर्षा होती है। लेकिन उच्च अक्षांश हैं, जब हम भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे या उच्च अक्षांशों की तरफ जाते जाएंगे तो बारिश की मात्रा है वो कम होती जाती है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा दूसरा है वर्षा को वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है हमारा प्रचलित पवने। ये पवने अगर समुन्दर से होते हुए किसी एरिया में जाती हैं तो वहाँ पे ये बारिशें बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन जब ये स्थल से समुन्दर की तरफ जब ये जाती हैं तब ये बारिश हैं वो नहीं करती और वो एरिया हैं वो सूखे रह जाते हैं। तो प्रचलित पवने हैं वो भी विश्व के अंदर जो वर्षा का वितरण है उसको प्रभावित करने का काम है वो करती हैं। अगला है जल धाराएं, या हम जिनको करंट्स बोलते हैं, ओशनिक करंट्स भी हैं वो वर्षा के वितरण को प्रभावित करने का काम करते हैं। ठंडी जल धाराओं से होकर बहने वाली वायु में वर्षा करने की शक्ति नहीं होती, इसके विपरीत गर्म जल धारा की ओर चलने वाली वायु अधिक वर्षा करती है। क्या है कहने का मतलब क्या है, जो ठंडी जल धाराएं हैं वहां से
किसी एरिया से ठंडी जल धारा गुजर रही है वहाँ से जो वायु आएगी वो बारिश से नहीं करेगी, लेकिन जहाँ गर्म जल की धारा गुजर रही है और वहाँ से जो वायु आएगी वो बारिश है वो करती है। अगला है हमारा समुंदर से दूरी। जैसे जैसे हम समुंदर से दूर जाते जाते हैं वैसे ही वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाती है। जो एरिया, जो क्षेत्र या जो देश समुंदर के पास हैं या समुंदर के पास के एरिया हैं वहाँ पे तो बारिश है वो ज़्यादा होती है, और उससे दूर दूर जाते हैं तो बारिश की मात्रा है वो कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त जल और स्थान की स्थिति, जल और स्थल की स्थिति भी वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। इसके अलावा अनेक अन्य कारण हैं जो वर्षा के वितरण को प्रभावित करने का काम है वो करते हैं। इसके अलावा वर्षा का वार्षिक व दैनिक परिवर्तन की बात करें कि बारिश है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, हर वर्ष एक समान नहीं होती, और दैनिक परिवर्तन भी उसमें होता रहता है। दैनिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय है कि पूरे दिन में एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें बारिश होती है, बाकी सारा दिन है बारिश है वो नहीं होती। अगर हम बात करें वार्षिक विभेदन की कि पूरा साल में कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है कहाँ कम हो रही है, तो उसको हम 6 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ बारिश जब वहाँ की जो बारिश है भूमध्य रेखा के आसपास की वो सूर्य की गतियों पे निर्भर करती है। जब सूर्य इक्वेटर के आसपास है तो बारिश ज़्यादा होगी, तो इक्वेटर से जब वो गति करता है या नॉर्थ की तरफ जाता है या साउथ की तरफ जाता है तो भूमध्य रेखा के आसपास भी बारिश की मात्रा है वो कम होती जाती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बात करें तो ये भी इन एरिया की बारिश भी है वो सूर्य की गतियों पर है वो निर्भर करती है। यहाँ साल में एक पर्टिकुलर समय है जहाँ जब सबसे ज़्यादा बारिश इन एरिया में होती है। मानसूनी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में बारिश ज़्यादा होती है और शीत ऋतु में बारिश है वो बहुत ही कम होती है मानसूनी एरिया में। भूमध्य सागर के एरिया को देखें, भूमध्य सागर के आसपास के एरिया देखें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे सर्दी के अंदर शीतकाल में तो बारिश होती है लेकिन ग्रीष्म काल में है बारिश वो नहीं होती। महाद्वीपीय विभेदन देखें या महाद्वीपों पे वर्षा का वार्षिक विभेदन देखें तो महाद्वीपों पे क्या होता है, ग्रीष्म काल में तो गर्मी के ऋतु में तो अधिक बारिश होती है लेकिन शीत ऋतु में वर्षा की मात्रा है वो कम होती है। महासागरों में अगर हम देखें वर्षा तो चक्रवातों के कारण पतझड़ में अधिक वर्षा होती है, जो पतझड़ ऋतु है उसमें महासागरों पे चक्रवात के कारण है वो बारिशें होती है, लेकिन शीतकाल में यहाँ बारिश तो होती है लेकिन वो प्रति चक्रवात के कारण होती है और वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। उसके बाद हम बात करें कि हम रेनफॉल को मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर होने वाली जो बारिश है उसको मापना असंभव काम है, इसलिए हम क्या करते हैं कुछ स्थानों से कुछ सैंपल लेते हैं और उसी के आधार पे हम बारिश का है वो वर्षा की मात्रा का है वो निर्धारण हम कर लेते हैं। वर्षा का जो माप है वो एक यंत्र जिसको हम रेन गेज कहते हैं उसके द्वारा वर्षा की मात्रा मापी जाती है। ये एक सिलेंडर टाइप का कंटेनर होता है, जैसे ये हम देख सकते हैं एक सिलेंडर टाइप का कंटेनर है और इसके अंदर भी एक कीप लगी होती है, उससे हम वर्षा की मात्रा हम माप लेते हैं कि किसी एरिया में है वो कितनी बारिश है वो हुई है। हम वर्षा को इंचों में हम मापते हैं। अगर हम बात करें अब आजकल के समय में एक कृत्रिम वर्षा का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिन एरिया में बारिश नहीं हो पाती उन एरिया में फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आर्थिक क्रियाएं मानव की वो प्रभावित होती हैं, इसलिए आजकल नई तकनीकों से क्या है कृत्रिम बारिश है वो करवाई जाती है। कृत्रिम बारिश में क्या करते हैं, बादलों को कृत्रिम रूप से संतृप्त किया जाता है, उनमें जो हाइड्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स हैं वो छोड़ के उनके अंदर उस एयर के जो संतृप्त करके और बारिश करवाई जाती है। इसको हम बोलते हैं इस सीडिंग भी कहा जाता है, जो हाइड्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनसे जो एयर का जो कंडेंसेशन हो जाता है और उसको हम सीडिंग बोलते हैं। इसके अलावा हम अब बात करते हैं कि हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा और इसमें हमने सारी चीज़ें कवर की, करने की कोशिश की कि वर्षा क्या है, कितने प्रकार की होती, वर्षण क्या होता है, वर्षण के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से कारक हैं वर्षण को प्रभावित करते हैं। फिर हमने बात की वर्षा क्या है,
वर्षा के कितने प्रकार हैं, विश्व में वर्षा का वितरण कैसे है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं कि अब क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक या पर्वतकृत वर्षा क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब कन्वेंशनल रेनफॉल प्रोसेस, भी कन्वेंशनल रेनफॉल है वो कैसे होती है, उसके प्रोसेस का हमें वर्णन करना है। तीसरा है हमारा क्वेश्चन व्हाट इज रेन शैडो एरिया। मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूँ कि हमने जब पर्वतकृत वर्षा की थी उसमें यह आया था रेन शैडो एरिया क्या होते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन कितने तरह की होती है, वो हमने शुरू की स्लाइड में सारा देखा था। प्रिसिपिटेशन के 6-7 टाइप हैं वो हमने सारे देखे थे। अब अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसिपिटेशन एंड रेनफॉल। जब हमने लेक्चर शुरू किया तब मैंने बताया था कि प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग हैं। रेनफॉल प्रिसिपिटेशन का ही एक टाइप है, तो यहाँ हमने उनके दोनों के अंदर है वो अंतर है वो करना है। अब हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रिसिपिटेशन, मतलब प्रिसिपिटेशन या वर्षण का क्या मतलब है। डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन के विभिन्न प्रकारों का हमें यहाँ वर्णन है वो करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा हाउ रेनफॉल इज कॉज्ड, रेन बारिश कैसे होती है, उसके हम थोड़ा दोनों सिद्धांतों का थोड़ा बहुत वर्णन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें है व्हाट आर इट्स टाइप, रेनफॉल कितने तरह की होती है। हमने तीन तरह की पढ़ी है, जब आप डिटेल में लेक्चर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि तीन तरह की बारिश का हमने यहाँ वर्णन किया है। डिस्कस देम विद इलस्ट्रेशन, उदाहरणों के साथ उसका वर्णन हमें करना है कि कौन कौन सी रेनफॉल है, किन किन एरिया में है वो होती है। थैंक यू वेरी मच।